काफ़ी टाइम से आप एक बात सुनते आ रहे हैं कि हरियाणा में जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं यानी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कोई भी फर्म है उसमें नौकरियां जो है उसमें 75% जो रोज़गार है हरियाणा के युवाओं को देना होगा। इसका कानून पास कर दिया गया था, अब इसको लागू करना बाकी था, लेकिन मामला कोर्ट में बेशक है, लेकिन इसको आज से लागू कर दिया गया है हरियाणा में। 10 साल तक ये जो है लागू रहेगा, यानी आज शनिवार को 15 जनवरी है, ठीक है, तो आज से लागू कर दिया गया है। तो अब इसमें देखिए क्या करना है कि हरियाणा के सभी युवाओं को नौकरी इन्होंने देनी पड़ेगी 75%, ठीक है। यानी कि अगर किसी कंपनी में 100 वर्कर हैं तो उनमें से 75 जो है हरियाणा के युवा होने चाहिए। अगर इसका जो उल्लंघन कंपनी करती है तो उन पर कार्यवाही भी करी जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी कि 30,000 रुपये तक की जो नौकरी है, यानी जिनकी सैलरी 30,000 रुपये है या उससे कम है, उन पर यह कानून जो है लागू होगा। अगर उससे ज़्यादा की सैलरी वाली पोस्ट है तो उस पर यह कानून जो है लागू नहीं रहेगा। तो इस पर हर कैंडिडेट का जो नौकरी प्राप्त करेगा, जो भी कर्मचारी, उसका डाटा जो है वो होगा जो श्रम विभाग की वेबसाइट है, वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कंपनियों को। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई भी करी जाएगी और उस पर जो है 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भी करा जा सकेगा, ये इसका जो कानून है वो कहता है, ठीक है। और कंपनी फिर भी इसका जो उल्लंघन करते हैं तो हर रोज 5,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगेगा, जब तक वो उस नियम को जो है वो लागू नहीं कर देती है, ठीक है। 10 साल तक ये रहेगा। अब इसके नियम क्या कुछ है वो बता देता हूँ जल्दी से। देखिए कि जो स्टार्टअप है या जो कंपनी है को इस कम जो जो स्टार्टअप्स हैं, जो यानी जो नई कंपनियाँ हैं, उसको ये लागू करने के लिए 2 साल की छूट भी मिली है अभी तक, ठीक है, ये भी बात है। 2 साल तक उनको छूट है, उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के जो मूल निवासी है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ईंट भट्टों पर यह कानून जो नियम है वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे उड़ीसा वे झारखंड के जो श्रमिक है वो काम करते हैं, तो इस तरह के जो श्रमिक है हरियाणा में उपलब्ध नहीं है, ये सरकार का कहना है। निर्माण क्षेत्र के जो कार्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी, तो इसमें उन्हें महारत हासिल है। आईटीआई पास जो युवा हैं उनको इन कंपनियों में जो है जो जॉब मिलेगी उसमें प्रेफरेंस इनको देनी पड़ेगी, प्राथमिकता इन्होंने देनी पड़ेगी, ये भी इन्होंने साथ में यहाँ पे कहा है। तो एक अच्छी खबर है हरियाणा के युवाओं के लिए कि आज से कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। तो अब उम्मीद है आंकड़ा जरूर घटेगा, जो बेरोजगारी का आलम है हरियाणा में, जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा दिखती है बेरोजगारी, तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा के युवा अब जो है अपने ट्राई करना शुरू कर दे प्राइवेट कंपनियों में, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो ये एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। अपडेट पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।